खरगोन जिले के विधानसभा चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न होने के बाद बुधवार को प्रशासन ने पत्रकारों के साथ बैठक आयोजित की, जिसमें कलेक्टर कर्मवीर सिंह ने चुनाव की सफलता पर कर्मचारियों के साथ मीडिया कर्मियों के सहयोग को लेकर आभार जताया है। उन्होंने कहा, सभी के सामूहिक प्रयासों से चुनाव निर्विघ्न संपन्न हुए। कलेक्टर ने कहा, चुनाव के बाद अब फिर से विभागीय एवं विकास कार्यों को गति देने का समय हो गया है। इसमें मीडिया कर्मियों से भी सुझाव मांगे गए। यातायात व्यवस्था सुधार और कुंदा सौंदर्यीकरण पर ध्यान आकृष्ट कराया। कुंदा सफाई को लेकर कई बार प्रयास हुआ है, लेकिन ठोस प्रयास नहीं हुआ है। वहीं यातायात सुधार के लिए बाईपास भी महती आवश्यकता है, जो लंबे समय से कागजों में ही प्लान बनाए जा रहे हैं, धरातल पर लाना जरूरी है। इसके अलावा पुराने जेल परिसर की बिक्री और निर्माण को हटाने, अतिक्रमण साफ सफाई और जल आवर्धन के काम में सुधार के मुद्दे रखे गए। कलेक्टर ने कहा, सभी के सुझाव नोट किए हैं, इन पर अमल के प्रयास किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। तो जो आइडेंटिफिकेशन महिला बाल विकास विभाग ने किया है, सैम और मैम दो टाइप के कैटेगरी होती है, सीवियर मार्गदर्शक होते हैं और जो मिडिल में मार्गदर्शक होते हैं। तो ऐसे बच्चों को सुपरवाइजर जो है वो व्यक्तिशः, सैम बच्चों को व्यक्तिशः उसके घर पर जाकर गृह व्यय का काम करेंगी इस महीने में, और आंगनवाड़ी वर्कर जो मैम बच्चे हैं उनके गृह व्यय करके उनके माता पिता से मिलना, उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम करेगी। तो एक प्रकार से हम कुपोषण मुक्ति की तरफ बढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिसमें जन सहयोग की भी है और आपकी भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कई सारे बच्चों को जो कुपोषित बच्चे हैं, गरीब माँ बाप हैं, तो उनको एक तरह से जन भागीदारी के रूप में या जनता के कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति जो है गोद लेने की, मतलब गोद लेने का मतलब है उसके न्यूट्रिशन के आधार पर गोद लेने की प्रक्रिया, ऐसा इनिशिएटिव करेंगे तो एक अच्छा उदाहरण जिले का और समाज का उत्तरदायित्व के रूप में ये चीज सामने आएगी। देखिए, ज्वाइनिंग के बाद में इलेक्शन की गतिविधियां पिछले 1.5 महीने से 2 महीने से चल रही थी, तो हम लोग भी इसमें व्यस्त थे। जैसे इलेक्शन की प्रक्रिया भी पूर्ण हुई है और आचार संहिता हटी है, तो हमने सबसे पहला काम यही किया है कि जो शहर की कुछ समस्याएं सामने, मूलभूत समस्याएं या मूलभूत विकासात्मक कार्य जो जनता के बीच में है और पत्रकार बंधुओं के मन में है, वो सब चीज़ें हम लोगों को अवगत हो पाए, इसलिए हमने आज सभी पत्रकार बंधुओं को बुलाया था। उन्होंने मुखर होकर कई सारी सुझाव भी दिए हैं और कई सारे जो समस्याएं उसके सॉल्यूशंस भी बताए हैं, हमने उसको एक तरह से डॉक्यूमेंटेड किया है और आगे विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से उनके समाधान करने के लिए हम लोग जो है आगे होकर तत्पर होकर कार्य करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।